जिले में भी क्राइम ने अपने पैर पूरी तरह से पसार दिए हैं। 1 जनवरी को जिले के बाली चौकी में जो घटना घटी वो राजा को शर्मसार कर देने वाली है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो है ये कि जिस शख्स ने हुमा देवी नाम की एक लड़की की हत्या की वो शख्स बाली चौकी में आकर खुद आत्मसमर्पण करता है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं बाली चौकी पुलिस पर भी कई सवाल उठने लाजमी है। जिला के बाली चौकी क्षेत्र में हुई युवती की हत्या को लेकर लोगों में खासा रोष नजर आ रहा है। वहीं लोगों ने पुलिस कार्रवाई पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 1 जनवरी को घटी इस घटना को लेकर सैकड़ों लोगों ने जहां मंडी में धरना प्रदर्शन किया, वहीं लोगों ने पुलिस कार्रवाई और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब पुलिस बाली चौकी पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा कि FIR मत करो, आप लड़के और लड़की का भविष्य खराब करेंगे बोला। तो दोनों जिएंगे बोला, कई बार जाके जिएंगे दोनों। फिर वो FIR नहीं, गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने लिख दी। फिर मजबूरन आउट जाना पड़ा, वहाँ पर FIR दर्ज हुई और पुलिस ने फिर लड़के को पकड़ा है। देवधार पंचायत के गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि 1 जनवरी को जब लड़की बाली चौकी क्षेत्र से गायब होती है तो वहां की पुलिस ने इन गरीब परिवार वालों की FIR तक दर्ज नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि आरोपी पहले तो 1 महीने तक युवती की हत्या करके गांव से फरार हो जाता है और 1 महीने के बाद खुद आकर बाली चौकी थाने में आत्मसमर्पण कर देता है। 1 जनवरी को एक युवती लापता होती है, उसकी जो है FIR पुलिस के अंदर गुम होने की जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन 1 महीना तक कोई कार्यवाही नहीं कर पाती है, अपराधी को पकड़ नहीं पाती है। लेकिन कल जो है अपने आप अपराधी सरेंडर करता है और फिर जो है अपनी हत्या का बोलता है। हम ये मानते हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की आज तक तीसरी घटना पिछले 3 साल में बाली चौकी के 7 क्षेत्र में है। इसलिए ये जो है निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। नौजवान समाज ये कहने चाहती है कि जो महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है लगातार, इस पे रोक लगाई जाए, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। और ये जो है एक अपराधी का काम नहीं है, बल्कि हम ये समझते हैं कि अपराधी षड्यंत्र है। इसलिए उन अपराधियों के खिलाफ जो है अपराधी षड्यंत्र का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और सभी अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए और उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अन्यथा हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और किसी भी सूरत में इस शांत प्रदेश में महिला हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ने बताया कि युवती की जिस तरह से हत्या की गई थी वह अकेला एक शख्स नहीं कर सकता, उसके साथ और भी कई लोग शामिल हैं, जिसे आरोपी बचाने की कोशिश कर रहा है। डेथ जो है ऐसा बताया जा रहा है कि हत्या का मामला है, क्योंकि एक गहरी खाई में उसकी जो है लाश मिली, जहां एक आदमी उसको नहीं पहुंचा सकता है और एक दवाई हुई थी, इसलिए इसमें और सारे लोग शामिल थे। हम सोचते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपराधिक षड्यंत्र का मामला है, इसलिए हर हाल में अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। गुस्साए लोगों का कहना है कि जिस तरह से हुमा देवी, जिसकी उम्र महज 25 वर्ष है, उसे मारा गया है, वो वाकई निंदनीय तो है ही, साथ ही साथ समाज को कलंकित करने वाली भी घटना है। उन्होंने पुलिस और सरकार पर आरोप लगाए हैं कि इस तरह की वारदातों को रोकने में पुलिस और सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है। KSNL के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विशेष में वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे हुमा देवी का कत्ल क्यों किया गया।